बिहार में महागठबंधन के अंदर फिलहाल लगभग सब ठीक कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक है, लालू भी बीच बीच में घूमने निकल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच तीसरी मुलाकात की खबर सामने आई है। पिछले दिनों दो बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास पर जाकर राजद अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की थी। अब गुरुवार की सुबह अचानक लालू प्रसाद मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से आधे घंटे तक बातचीत की। आपको बता दें कि बिहार में इस समय राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर का कुआं विवाद चरम पर है। राजपूत नेताओं ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया है। जेडीयू के नेता भी मनोज झा को धमका चुके हैं। वैसे बड़ा विद्रोह राजद विधायक चेतन आनंद का सामने आया है। चेतन आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए मनोज झा को 10 बातें सुनाई है। उन्होंने उस समय सदन में मौजूद भाजपा विधायकों को भी निशाने पर रखा। इसके बाद अब खबर आई कि राजद विधायक चेतन आनंद के भाई ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, तो माहौल और गर्मा गया। इसमें भी सबसे बड़ा हंगामा बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर आया, जिसमें उन्होंने मनोज झा की जीभ खींच लेने की बात कही। ऐसे ही गर्माई माहौल में चूंकि सब कुछ राजद के खेमे से हो रहा है, तो माना जा रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट और माहौल को समझने के लिए लालू प्रसाद ने सीएम आवास का रुख किया है। आपको बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री आवास आना क्यों हुआ, इस पर दोनों में से किसी दल ने औपचारिक तौर पर कोई जानकारी देने से इनकार किया। बुधवार को पूरे दिन एक चर्चा चल रही थी कि किसी बात पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कहा सुनी हो गई थी। इस बात की पुष्टि किसी स्तर से नहीं हुई और ना कोई वीडियो प्रमाण सामने आया। यह मुद्दा हो सकता है या नहीं, इस पर भी कोई बात नहीं करने को तैयार है। राजद नेताओं ने आनंद मोहन परिवार के स्टैंड पर भी बहुत कुछ बोलने से इनकार किया। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राजद को किसी मुलाकात से फर्क नहीं पड़ता, पूरी पार्टी राज्यसभा सांसद मनोज झा के साथ है। उन्होंने दमनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। दबंगई के खिलाफ राजद हमेशा खड़ा है। ठाकुरपन किसी भी दबंग के अंदर हो सकता है, इससे किसी जाति पर वार नहीं किया गया है। उन्होंने महागठबंधन की एकता को अटूट बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बीच सब कुछ अच्छा है, इसलिए कहीं कोई संकट नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।